Hello kids, welcome back. This is your mentor Neetu. Now we are doing Cyber Creators Computer Book by BrainRoot Class 5. So today we are doing Chapter 8 in the World of AI. आज हम कहाँ जा रहे हैं? AI की दुनिया में, यानी Artificial Intelligence. That is very important in our life. So let us start. So in this chapter you will learn about AI, means artificial intelligence, applications of AI, benefits of AI, kya benefits hai, kya applications hai, various fields of AI, uske kon kon se fields hai jahan hum isko use kar rahe hain, artificial intelligence in daily life, hum daily life mein kaise use kar rahe hain AI ko. So before we begin this, write a short note on AI machines can be great friends of human beings in the space given below. तो हम अपनी लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ढूंढने में हेल्प करेंगे, उसको इवन लेके आएंगे एंड एक्यूरेट फॉर्म में, ओके, विद इन फ्यू सेकेंड्स. So we can write a short note on AI, means artificial intelligence. When you will go through this chapter, so it would be more clear to you. So aap isko easily you can write in your own language. So artificial intelligence means AI. It is the ability of a machine to perceive its environment and take decisions in order to achieve a definite goal. कोई मशीन है वो अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेगी और फिर उसको वो अपना रिजल्ट देगी. The field of AI is based on the idea of replicating human intelligence. यानी ये वर्क कैसे कर रही है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग में ब्रेन होता है, हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ही इट इज वर्किंग लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, राइट? सो लेट स्टार्ट. एप्लीकेशंस ऑफ AI. AI इज यूज इन वेरियस प्लेसेस. इवन आप कह सकते हैं आज की लाइफ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे AI यूज नहीं हो रहा है. सो AI इज यूज इन वेरियस प्लेसेस. हियर You will study about some of them. उसमें से कुछ हैं जो हम आपको बता रहे हैं. The first one is agriculture. Agriculture means जो farming करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. Okay, so AI can help in harvesting crops and pest identification. इसकी help से हम find कर सकते हैं कि हमारी जो भी farmers हैं वो farming कर रहे हैं, कहीं problem आ रही है crops की growing में, उनकी हेल्थ में. वी कैन फाइंड आउट ईजली कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. ओके, फार्मर्स कैन यूज AI एप्स टू प्लान देयर क्रॉप्स बेस्ड ऑन द करंट वेदर कंडीशन. AI की हेल्प से फार्मर्स प्लान कर सकते हैं कि हमें कब कौन सी क्रॉप को अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन उसको ग्रो करवाना है, ग्रो करना है. इट हेल्प इन सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एट अ सुटेबल टाइम. हमें प्रॉपर टाइम पता चलेगा कि कौन सी क्रॉप के लिए क्या टाइम सुटेबल है. ओके, AI कैन हेल्प फार्मर्स इन मैनेजिंग द हेल्थ ऑफ देयर क्रॉप्स. तो ये क्रॉप्स की हेल्थ के लिए इट्स वेरी असेंशियल, वेरी यूजफुल, राइट? हेल्थ केयर. AI हेल्प्स डॉक्टर्स. AI हेल्प करता है डॉक्टर्स को कोई डायग्नोज करने में, कोई कॉम्प्लेक्स डिसीज हो लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड इंटेल आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन AI एंड इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. मेडिकल की फील्ड में इट्स वेरी असेंशियल. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज है, उसको फाइंड आउट करने में, उसको क्योर करने में इट इज़ वेरी हेल्पफुल. नाउ कस्टमर सपोर्ट. AI कैन हेल्प कंपनीज आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कस्टमर्स विदाउट नीडिंग अ ह्यूमन टू हेल्प देम. दे यूज स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉल्ड chatbot that can understand what people are asking and give the right answer.
अब जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके कस्टमर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उनको आंसर करने के लिए कंपनीज ने यूज़ किया है एआई को। इससे हम क्या करते हैं, कंपनीज अपने चैटबॉट बना देती है, जिससे मशीन जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम है, उनके जो क्वेश्चन आंसर, उनकी जो क्वेरीज है, उनको सॉल्व करती है। ओके, सो स्पेस एक्सप्लोरेशन, द नेक्स्ट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। इट इज़ यूज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन टू हेल्प स्पेसक्राफ्ट नेविगेट, एनालाइज डेटा एंड इमेजेस एंड ऑपरेट रोबोट्स ऑन अदर प्लैनेट्स। ओके, दिस हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट, विच एक्सपेंड्स आर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। इसको हम स्पेस में यूज करें कि वहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं, दे कैन डू रिसर्च कर सकते हैं, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल इन नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट, और एक कॉमन मैन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। सो इट इज़ वेरी असेंशियल। बेनिफिट्स ऑफ AI, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ AI। 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी 24 hours, 7 days। AI based chatbot solve customer support based queries 24/7. To take an example, Google Assistant can book a table for you at your favorite restaurant. आपने कहीं खाना खाने जाना है तो आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, सो बैंक चैटबॉट्स कैन आंसर योर क्वेरीज रिलेटेड टू ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट एटसेट्रा। कुछ हमने अपना अकाउंट ओपन करना है बैंक में, तो हम वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, राइट? नाउ सेव्स टाइम। AI बेस्ड एप्स कैन प्रोसेस एनी अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स विद इन नो टाइम। ये डाटा प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रोसेसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा बाय ह्यूमंस रिक्वायर्स मोर टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज इन कंट्रास्ट टू मशीन्स। ओके, सो एक्यूरेसी, AI बेस्ड एप्स प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स एज दे यूज अ हाईली एक्यूरेट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेसिंग डाटा। किसी का भी जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज 100% एक्यूरेट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो एक्यूरेसी, इट इज 100% एक्यूरेट। ओके, फ्रेंडली, इन फ्यूचर AI विल बी यूज टू प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें इन फ्यूचर हमें यहाँ से इमोशंस, फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। एट प्रेजेंट AI इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP, लाइक Alexa, Google Assistant एंड Siri आर अ फ्यू ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। अब आप कुछ भी आपने सर्च करना है, तो आपने देखा होगा फ़ोन में हम माइक बटन पे प्रेस करके गूगल पे जाके हम अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग। टाइपिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो दैट इज़ वॉट, वो उसको कैसे समझ रहा है, जो मशीन है वो समझ रही है उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से, NLP। ओके, सो इट इज़ सेविंग आर टाइम, राइट? सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन आर लाइफ nowadays. Now, various fields of AI, the possibilities of AI in present times and the near future are huge and it is quickly becoming a popular trend in various other fields too. AI, big data, natural language processing, NLP, computer vision and machine learning. अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. So let us now discuss various fields related to AI. The first is machine learning. Machine learning is a field that deals with building technology that can be used to program machines in a manner that the machines can learn independently. Okay? Once a machine is taught how to solve a problem using a special set of rules, it can use those rules to
क्विकली सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. हम पहले मशीन को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं. मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन को सिखाना, सो दैट बाकी वो जो प्रॉब्लम्स है उसको ईजिली सॉल्व कर सके. सी वंस अगेन, इट इज़ अ फील्ड दैट डील्स विद बिल्डिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू प्रोग्राम मशीन्स इन अ मैनर, ऐसे बनाना है दैट द मशीन्स कैन लर्न इंडिपेंडेंटली. वंस अ मशीन इज टॉट, एक बार मशीन को समझ आ गया हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स, इट कैन यूज दोज रूल्स टू क्विकली सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. यानी हम मशीन को कैपेबल बनाना है पहले इंडिपेंडेंटली कि वो लर्न करे सॉल्व कैसे करनी है कोई प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कुछ रूल्स हैं, फिर वो बाकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व कर ले. दैट इज द मशीन लर्निंग. नाउ बिग डेटा, व्हेन पीपल शॉप ऑनलाइन दे लीव बिहाइंड अ ह्यूज ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड हो जाती है. देन दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वॉट दे बॉट, हाउ मच इट कॉस्ट, वॉट ब्रांड इट वॉज एट्सेट्रा. हमने कितने पैसे खर्च किए, कौन सा ब्रांड लिया है, तो वो सब उसमें स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा. सो द वेबसाइट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन सो इट कैन लर्न अबाउट वॉट पीपल लाइक टू बाय एंड सजेस्ट थिंग्स दे माइट लाइक इन द फ्यूचर. अपनी मार्केटिंग के लिए आगे पीपल मतलब लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उनकी क्या चॉइस है, किसकी डिमांड ज़्यादा है. ओके, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन है, सारा जो डेटा है वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मार्केटिंग करते हैं. नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स NLP, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में. इन द पास्ट प्रोग्रामर्स डेवलप टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस सच एज मशीन लैंग्वेज एंड हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू हेल्प पीपल कम्युनिकेट विद मशीन. पहले हम कंप्यूटर से मशीन से कैसे कम्युनिकेट करते थे, हम टाइप करते थे जो भी था. बट नाउ विद द AI टेक्नोलॉजी मशीन्स कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरली स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस बाय ह्यूमन बींग्स. अब AI की हेल्प से जो मशीन है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने लगे हैं, चाहे आप उसको बोल के एक्सप्रेस करें, चाहे आप उसको लिख के एक्सप्रेस करें, तो दोनों चीजें द मशीन इज अंडरस्टैंडिंग. सो वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू मशीन यूजिंग आर वॉइस और सिंपल रिटन इंस्ट्रक्शंस विदाउट नोइंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमें इसमें कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे फिर हम ऑपरेट करेंगे फोन पे या कंप्यूटर पे. सिंपल अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और जो भी हमें आंसर है वो मिल जाता है. सो दिस फीचर ऑफ AI यूजेस NLP टू अंडरस्टैंड अस. इसमें हम कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल ऑफ वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स आर Alexa, आपने एड देखा होगा Alexa प्ले दिस सॉन्ग, है ना, तो लाइक दिस Alexa, गूगल असिस्टेंट एंड एप्पल Siri. नाउ कंप्यूटर विजन. So computer vision is a field that deals with the idea of computers replicating human vision. यानी human vision को replicate, response करना. It is used to extract visual information from images. जैसे vision से है, computer vision है, यानी it is used to extract visual information from images and videos. Okay? It is widely used इन क्रिएटिंग न्यू सिक्योरिटी सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. किस में यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में. सो कंप्यूटर विजन, राइट. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं AI को. देर आर वेरियस AI टेक्नोलॉजीज दैट पीपल आर करंटली यूजिंग इन देयर एवरी डे लाइफ बट आर लिटल अवेयर ऑफ. Following is the list of AI tools that are regularly used by many of us. Gmail uses AI to filter your mails into different categories like social, updates, forms,
promotions, spam, etc. AI working in the background scans the mails received in your account and transfers them into the correct folder category. जो हम Gmail use करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी categories हैं, social है, updates है, कुछ spam है, कुछ promotions हैं, तो जो उसके पीछे work कर रहा है AI वो उनको category के according divide कर देता है. Now, Smart Reply in Gmail. Smart Reply is a feature launched by Gmail using AI. Gmail can read your email text and give suggestions for a quick reply. Okay, to write an instant reply, the user has to simply click on the text suggestions displayed at the bottom of the email text. हमें बस क्लिक करना है, जो हमें रिप्लाई भी करना है अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन जो भी है उस पर हमें क्लिक करना है और इट विल बी देयर ओनली, राइट. सो आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने जीमेल का शो किया हुआ है, लाइक इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, लेस इम्पॉर्टेंट, चैट्स, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम, ट्रैश. ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. नाउ गूगल सर्च. व्हाइल एंटरिंग द टेक्स्ट इन द गूगल search box, you must have observed that you get to see some search related suggestion. कभी हम कुछ suppose आपने कुछ type करना start किया, suppose आपने RO start किया, ROB robot, तो आपके पास automatically काफी सारे नीचे suggestions आ जाएंगे कि आपने क्या इसमें से select करना है. तो आपको पूरा type भी नहीं करना पड़ेगा, just click on that one. Okay. So Google search engine makes use of AI for suggesting relevant search topics. मतलब इतना easy बना दिया है हमारा work कि हमें सिर्फ कुछ letters type करने हैं और आपके पास automatically so many suggestions, right? So recommendations, most of the streaming apps like Netflix, YouTube and Spotify make use of AI to recommend shows, movies and music on different generation based on the viewer's choice. Okay, आप बस Netflix है, YouTube है, आपने कुछ भी देखना है अपने entertainment के लिए या बच्चों के cartoons हैं, उसमें सब कुछ है, everything is there. So these are the streaming apps. E-commerce apps like Amazon and Flipkart also use AI for product recommendations. These recommendations are designed to personalize the shopping experience for each user and help them discover the products they may be interested in. E-commerce app की help से हम online shopping कर सकते हैं easily. आपने कुछ भी purchase करना है, कोई books purchase करनी है, कोई costume purchase करना है, anything else. There are so many apps. आप उस app पे जाएंगे, search करेंगे, आपके पास so many options would be there. Okay. So it is very easy nowadays. Now Alexa is one device that is gaining immense popularity among the users. So it makes use of NLP to interpret voice commands. Usme bhi sirf ek command deni hai, voice command, Alexa do this. Okay, to wo automatically ho jayega. Then converts them into text commands and routes the interpreted command to the cloud server. Okay, the cloud server then figures out what you want Alexa to do and sends the response back to Alexa. Alexa help लेगी cloud server की, then cloud server जो response है Alexa को वापिस send करेगा and then we will get the answer. So Alexa then performs the cards action that you asked for. Alexa skills kit enables to create content and invoke new skills. Okay, now navigation apps like Google Maps use AI to tell you about traffic congestion and how long it will take to reach your destination. आप कहीं traveling कर रहे हैं तो आप navigation Google Map की help ले सकते हैं, आपको कितना time लगेगा, कितना traffic है वहां पर, everything you would get it. So AI uses your car speed and distance to calculate this. AI क्या करता है, वो आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग, ओके, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग
बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम में आप पहुंचेंगे, कितना ट्रैफिक है. सो इट ऑल्सो लुक्स एट द नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस इन एन एरिया टू नो अबाउट ट्रैफिक. जिस उस एरिया में जितने भी मोबाइल यूज हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट कर देते हैं कितना ट्रैफिक है. फाइन, सो दिस इज वेरी यूजफुल नाउ डेज. नाउ कंप्यूटर मैनर, मेक श्योर यू साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट. इफ यू जस्ट क्लोज द ब्राउजर एंड डू नॉट साइन आउट, सम एल्स कैन ओपन द ब्राउजर एंड असेस योर ईमेल. आपको उसको प्रॉपरली शट डाउन करना है, उसको पहले ईमेल अकाउंट को क्लोज करना है, साइन आउट करना है. कंप्यूटर मैनर, मेक श्योर यू साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट. इफ यू जस्ट क्लोज द ब्राउजर एंड डू नॉट साइन आउट, someone else can open the browser and assess your email. Now let us rewind. Artificial intelligence is the ability of a machine to perceive its environment and take decision in order to achieve a definite goal. There are various applications of AI like agriculture, healthcare, customer support, space exploration, etc. At present, AI is capable of understanding human language with the help of a concept called NLP, Natural Language Processing. Machine learning is a field that deals with building technology that can be used to program machines in a manner that the machines can learn independently. Okay. Apps like Google Maps use AI to tell you about traffic and how long it will take to reach your destination. So I hope it's clear to you. Go through this chapter. Any problem, then we can discuss it. So now come to exercise. Check yourself. A part, take the correct option, the first one. Which among the following is an application of AI? AI ki application kaun kaun si hai? हेल्थ केयर भी है, कस्टमर सपोर्ट भी है, यानी बोथ ए एंड बी. सो आंसर इज सी. द सेकेंड वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइस बेस्ड असिस्टेंट. सो दैट इज जीमेल. ओके, द थर्ड वन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश एप्स. दीज आर स्ट्रीमिंग एप्स. ए. Now the fourth one, dash is used to extract visual information from images and videos. So that is computer vision. Now the fifth one, which of the following is not a benefit of AI? So accuracy bhi hai iska benefit, friendly bhi hai, time consuming. It is not time consuming. Okay. So now, next, B, filling the blanks. The first one, apps like Dash use AI to tell you about traffic congestion and how long it will take to reach your destination. So that is which app? Google Map. Now B part, filling the blanks. The first one, apps like Dash use AI to tell you about traffic congestion and how long it will take to reach your destination. So that is what? That is Google Map. The second one, AI is capable of understanding human language with the help of a concept called natural language processing. The third, Dash is a field that deals with the idea of computers replicating human vision. That is computer vision. Computer vision. The next fourth, AI based apps use a highly accurate dash for processing data. Highly accurate algorithm. Okay. Now C, right, true or false. The first one, using AI, Gmail can read your email text and give suggestion for a quick reply. Yes. The second one, Alexa is a device that makes use of NLP to interpret voice commands. This is true. The third one, machines require more time to process a huge amount of data than humans.
This is false. Then the fourth one, computer vision is a field that deals with the processing of language. No, this is also false. NLP. Okay. Now the D part, answer these questions. The first one, write about any one AI application that you use in your everyday life. So what is that? We use Gmail, Google Map, e-banking hai, e-commerce hai, aur kya aapke paas? Streaming apps hai, Netflix. Okay, so there are so many fields jahan pe hum AI use karte hai. Now, what is machine learning? Machine learning kya hai? इसमें क्या करते हैं, हम एक मशीन को इंडिपेंडेंट बना देते हैं ताकि वो अपनी आगे की प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स उसको इजीली सॉल्व करे. इट इज अ टेक्नोलॉजी. ओके, सो मशीन लर्निंग इज दैट वन. नाउ डिफाइन एनएलपी. एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इसके थ्रू क्या है, मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझती है. ओके, एंड आंसर भी करते हैं. सो that is defined NLP. So it is a field that deals with the processing of language, NLP. Now what is computer vision? Computer vision is a field that deals with the idea of computer replicating human vision. वो videos, images से information को extract करता है. Okay, so you can write about these one. These are very easy and simple. आपने बस just go through the chapter, understand it, everything would be clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Take care.